guys. Hi, this is Richa. I'm Deepika. And welcome back to our channel, Wonder Farm 2.0. Oh, God. ये प्रेग्नेंट बनी हुई है ना अभी तक. अभी तक ये प्रेग्नेंट है. ओह गॉड, सी शर्मा रही थी. सब कुछ कितना ज्यादा हो रहा है. एटलीस्ट इतने देर के ये मजे है कि उस सर्वर की बैंड बजी पड़ी है. सर्वर को ऐसे देख के बहुत सुकून मिल रहा है. ऐसा लगा ये डिजर्व इट बिच. लास्ट टाइम अरे यार, मैंने जब तक बोल दिया तब भी मेरे को नहीं बोलना था सुसाइड कर ले और सब वर्ड नहीं, बट जो भी हो मर जा जाके. सर्वर को देख के ऐसे खून खोलता है. सदमे में चला जाना चाहिए और सदमे से निकल ही ना पाए वैसे सदमे में चला जाए वो. मुझे चाहिए और गंदा सफर करे. आई नो, बट सदमा ऑलरेडी बहुत बड़ा सफरिंग है. तो उसके पास बचा कुचा कुछ नहीं होगा ना. उसके पास पैसों का कुछ आएगा ना, ऑफिस ना जॉब, कुछ भी नहीं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अभी काफी अच्छे मूड है. एपिसोड 5 पार्ट 3 एपिसोड 15. अच्छा, वही बोलना था. एक पिलो को साइड कर, ऑलरेडी गोदी में बैठ जा. एपिसोड 15 पार्ट 3. डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना, कुछ अच्छा ना कुछ बुरा. क्या कह रही है मॉम ये? मुझे तो लगता है ना कुछ पता ही नहीं है. निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं. मॉम, हमारे मोहल्ले में ना भाभी शायदा थी, वो ब्याह कर गई और फिर उन्हें उल्टी हुई और 9 महीने के बाद ना अब्दुल मनान हुआ था उनके यहाँ. तो फिर उल्टी तो मुझे भी हुई है. मैं तो कहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं बात करके आती हूँ. जाओ. शाबाश. सॉरी, इट्स ओके. मेरे ख्याल में इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग भी हुई है. शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा. मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इनको खिलाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी. वैसे ये आपकी बहू है? जी. बुरा मत मनाइएगा, मगर आप अपने बेटे से बात करें. मुझे लगता है कि इनके रिलेशन में काफ़ी फासला है. मैं आपकी बात समझ गई हूँ. थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं दवाई ले लूँगी इसके लिए. वो डॉक्टर मान गए क्या? हेलो मॉम, आपका क्यों मूड खराब हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की बातों में मत आए आप. हमारे मोहल्ले में चलें, वहाँ पे एक डॉक्टर आनी है, उसके पास चलते हैं. साफ साफ बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है. मॉम, इस डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं था. फिर चलें हमारे मोहल्ले में. गॉर्डन का भी कुछ का होगा. चलो. नहीं, तुम अंदर जाओ. मैं बैंक से कुछ काम है वो करके वापसी पे तुम्हें लेता हूँ. अकेले ऐसे कैसे चली जाऊँ? आपके बगैर वो भी? अगर उन्हें बुरा लग गया तो? सीमा, समझा करो. बेगम साहिबा ने मुझे देख लिया तो उन्हें बहुत उलझन होगी. अब वैसे भी देखो, खुशी का मौका है उनके घर में और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना और उनकी खुशी उलझन में पड़ती हो. मुबारक हो बेगम साहिबा, वो मैं मिठाई लेकर आई थी. देखा, मेरी अम्मा को भी यकीन है कि मेरे यहाँ खुशखबरी है. मुझे तो हो रही है. इनका मुंह तो पहले से खराब है, मेरी वजह से थोड़ी खराब हुआ है. डॉक्टर के पास से जब से आई है तब से खराब है. माजबीन बेटा, हर वक्त नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होते. अम्मा, सास के सामने तो इज्जत रख लिया करो, हर वक्त डांटती रहती हो. बेगम साहब, आप इसको छोड़ें. आप लेना, अपना मुँह मीठा करें. डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है. लगता है आपके घर जाके कुछ गलत खा लिया तो बीमार हो गई थी. नहीं नहीं नहीं, मैंने तो घर जाके कुछ भी नहीं खाया था अम्मा. मैंने तो कुछ नहीं खाया था घर जा. हाँ, घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था. असल में अपनी पसंदीदा खाने की
उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मॉम आप बड़े साहब को मत बता दीजिएगा, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। है आप बेगम साहब आप, मैं फिर चलती हूँ। हैं इजाजत। नहीं नहीं सीमा, खाना खा के जाना, माँ जमीन बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बड़े साहब भी नहीं? नहीं बड़े साहब भी नहीं। अब आपने कर दिया है ना। ना मुझे कोई नहीं निकालेगा। से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था, असल में अपनी पसंदीदा खाने की। किस चीज का पछतावा? शायद खुद से पछता रहा हूं, शायद तुम्हारा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे, क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं थी तो कॉल कर देती, मैं जल्दी घर वापस आ जाती। अच्छा इसके घर है। एक्चुअली अब्दुल्ला की बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो जल्दी हमें कोई गुड न्यूज सुनाएंगे। नहीं परेशान होने वाली क्या जरूरत। ज़रूरत ही तो इंसान को परेशान करती है, पहले अपने से जुड़े हुए रिश्तों की ज़रूरत, फिर जुड़े हुए रिश्तों से मोहब्बत की ज़रूरत, और अगर ये सब कुछ मिल जाए तो ज़िंदगी बड़े सुकून से निकल जाती है, वरना हसरत ही रह जाती है। क्या बात है भाभी, सब ठीक है? ठीक लगता तो है, ना जाने ठीक है भी या सिर्फ धोखा है। कभी कभार लगता है जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की तरह फिर रही हूँ, आगे ठंडे पानी का तालाब नजर आ रहा है, चाहते हुए भी ना मैं उस तक कदम नहीं उठा पा रही, इसी खौफ में कि वहां तक अगर पहुंच गई तो शायद वो एक सैराब ही निकल आए। लेकिन कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे, वरना छोटी उम्मीद पे वहीं खड़े खड़े प्यासी मर जाएंगे। सच जान के मरने से बेहतर है कि इंसान झूठी उम्मीद पे ही जीता रहे। से जीना नहीं मरना कहते हैं।
पल पल मारना। क्या टेप बातें कर रहा है? अभी इंसान अपनी सारी जिंदगी एक छोटी उम्मीद पे नहीं गुजार सकता। फैसला तो करना पड़ता है, आज या फिर पार। यही तो मुश्किल है बस। डैड परेशान करना यार। मैंने सोचा कि आप अपने सगे बाप के दफ्तर में बैठे हैं तो शायद सौतेले बाप को भूल गए होंगे, तो सोचा खुद आ जाता हूँ, तारुफ करा लूँ अपना। ना आप खड़े क्यों हो गए? आप अब्दुल्ला साहब बैठे यहाँ, प्लीज आपकी कुर्सी है, बैठे बैठे यहाँ। पैसे ना पड़ने डैड।